नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पीके गुरुजी में। आज के अपने इस वीडियो में हम एक मैथ का प्रश्न डिस्कस करेंगे। जिस प्रश्न की हम बात करेंगे उसको पहले देख लेते हैं। तो प्रश्न हमारा क्या है कि ए ने बी को रुपए 2000 7% साधारण ब्याज की दर से उधार दिए। 6 वर्ष के पश्चात बी ने रुपए 2500 तथा एक घड़ी देकर ऋण चुका दिया। घड़ी का मूल्य क्या है? यानी कोई व्यक्ति ए है, उसने बी को 2000 रुपये उधार दिए, तो इसमें मूलधन क्या हो गया? 2000 रुपये। ठीक है, फिर 7% साधारण ब्याज की दर से, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हो गया? 7%। ठीक है, 6 वर्ष के पश्चात, तो टाइम क्या हो गया यहां पर? टाइम हो गया 6 वर्ष। ठीक है, बी ने 2500 तथा एक घड़ी देकर ऋण चुका दिया, यानी जो अमाउंट उसने लौटाया वह कितना लौटाया? 2500 रुपया लौटाया और एक घड़ी लौटाई। आप उसने पूछा है कि जो घड़ी है उस घड़ी का मूल्य क्या है, यानी जो घड़ी उसने लौटाई है उस घड़ी का मूल्य हमें इस प्रश्न में बताना है। तो सबसे पहले हम सिंपल इंटरेस्ट की कैलकुलेशन करते हैं। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला है पी गुणा आर गुणा टी भागे 100। पी है 2000 रुपये, रेट है 7%, टाइम है 6 वर्ष भागे 100। ठीक है, काट देंगे 0, 2 0 यहां कट जाएंगे। यहां पर कितना बचेगा? 7 गुणा 6 करेंगे तो 42, 42 दूना 84, तो 840 रुपये क्या आ गया? ये आ गया सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, तो अमाउंट के बराबर क्या होता है? मूलधन प्लस सिंपल इंटरेस्ट क्या कहलाता है? अमाउंट कहलाता है। तो अमाउंट जो उसने लौटाया है वह है 2500 रुपया प्लस एक घड़ी, बराबर में यहां मूलधन कितना था? 2000 रुपये, और सिंपल इंटरेस्ट कितना था? 840 रुपये। बस इसको सॉल्व करते जाएंगे, यहां 2500 प्लस एक घड़ी जोड़ कर तुम रहेगा बराबर 2000, और 840 कितने हो जाएंगे? 2840। तो एक घड़ी बराबर कितना हो जाएगा? 2840 माइनस 2500। ठीक है, 2840 में से 2500 माइनस कर देंगे तो एक घड़ी का मूल्य निकल आएगा, कितना बचेगा? 340 रुपये। ठीक है, तो जो उसने घड़ी अपने ऋण को चुकाने में साथ में दी थी उस घड़ी का मूल्य कितना है? उस घड़ी का मूल्य है 340 रुपये। ठीक है, तो ऐसे ही नॉलेज बढ़ाने वाले वीडियो देखने के लिए जुड़े रहिए आपके अपने चैनल पीके गुरुजी के साथ। नमस्कार।